स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत स्वागत है अड्डा 247 जो आपका ऑनलाइन स्कूल है. यस, ये वही ऑनलाइन स्कूल है जहाँ पे आपको अपने सिलेबस के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रही है साथ में. क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है हाइपरबोल, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है. शायद हाइपरबोल आपने पढ़ा होगा कुछ ने, और बहुत सारों ने शायद नहीं भी पढ़ा होगा, बिकॉज मोस्टली टीचर्स इंग्लिश में जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाते टाइम. और जब बाद में जब आप हायर स्टडीज़ करते हैं या आप इंग्लिश में अगर अपना करियर बनाते हैं, आगे आप लिटरेचर लेते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है कि तब कॉलेज लेवल पर जाके कि हाइपरबोल क्या है या पर्सोनिफिकेशन क्या है या फिर मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, ऑक्सिमोरॉन क्या है. सो ये बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं आपके, और आपको पता होना चाहिए. इट्स जस्ट दैट इसमें सिर्फ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके बाद आप उसको आप अच्छे से और अपने आप कर सकते हैं. सो आज का जो मेरा क्लास है, क्लास 9th के साथ, और आई थिंक ये हाइपरबोल का जो टॉपिक है, इट्स फॉर क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और इनफैक्ट 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए भी. सो ये काफ़ी हेल्पफुल है. ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए स्पेशली मैं सिर्फ हाइपरबोल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, कुछ एग्जांपल्स दूंगी. और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप प्लीज़ अपने एग्जांपल्स भी यहाँ पे हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें पता चलेगा कि आपको भी अब हाइपरबोल अच्छे से समझ में आ गया है. ऑलराइट, सो व्हाट इज हाइपरबोल? हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच. कैसा फिगर ऑफ स्पीच, इसमें क्या पता चलता है? हाइपर, द वर्ड इटसेल्फ सेज हाइपर. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? इंग्लिश वर्ड होता है हाइपर. हाइपर मीन्स बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का मतलब नॉर्मल लेवल नहीं है, बट इट इज़ वेरी लाउड. ऑलराइट, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है किसी लेवल पे तो वो कैसे होगी, मतलब लिमिट में नहीं है. सो हाइपरबोल भी वही है कि किसी चीज़ का बहुत बड़ा चढ़ा या एग्जैजरेटेड वर्जन. हाइपरबोल इज द एग्जैजरेशन. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट राइट द डेफिनेशन फॉर यू हियर फॉर हाइपरबोल. It is a exaggeration. अब ये जो word है आपका exaggeration, exaggeration का meaning क्या होता है? कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना. हिंदी में इसका मैं short meaning बता दूँ, जो आप बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, ये मुहावरा है जो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि मतलब छोटी सी बात है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देना, वही होता है exaggeration का मतलब. हाइपरबोल भी वही है कि कोई चीज़ तो शायद हो नहीं सकती है, बट वो स्टिल हो रही है, मतलब बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा. अनबिलीवेबल है एंटायरली, बहुत बार, और बहुत बार शायद वो ऐसा है कि हो भी सकती है, दैट ऑल्सो कैन बी देयर, बट मोस्टली वो अनबिलीवेबल चीज़ें होती हैं, दैट इज़ योर हाइपरबोल. ऑलराइट फॉर क्लास, सो मैं एक डेफिनेशन है जो आपके सामने, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है बेसिकली हाइपरबोल, ये मैं आपको बता दूं. एंड मोस्टली जो आपके इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से ज़्यादातर लिए गए हैं, बिकॉज वहीं से जो है वो इंग्लिश आई है. बट इंग्लिश की बेस्ट बात यह है कि एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है इंग्लिश. यस, इंग्लिश इज़ अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज. इट्स नॉट लाइक योर हिंदी और संस्कृत कि एक बार जो वर्ड्स उसके अंदर आ गए वो वर्ड्स हमेशा उसमें स्टिक रहते हैं, ऐसा नहीं होता है. ये जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे ज़्यादातर नए वर्ड्स जो हैं वो आते रहते हैं इसके अंदर, और जब वो नए वर्ड्स आते हैं वो, इनफैक्ट हिंदी के भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपकी इंग्लिश की डिक्शनरी का पार्ट हैं. और जो अभी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम आपका कमेंट देख सकें कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश डिक्शनरी का पार्ट है, पर वो वर्ड्स कौन से हैं, हिंदी वर्ड्स हैं. राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है. एक शब्द के दो मीनिंग है, एक स्पेलिंग है, बट प्रोनंसिएशन अलग अलग है. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लिश के अंदर चेंज होती है. सो वही है एग्जैजरेशन, मीन्स छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना. ये फिगर ऑफ स्पीच है और इनको ऑक्सीज भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीज, नोन एज, व्हाट आर दे कॉल्ड? ऑक्सीज. सो ये एक रिटोरिकल डिवाइस है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जो है हमारा हाइपरबोल. फाइन, इन पोएट्री एंड ओरेटरी इट एम्फेसाइजेस, क्या करता है ये? सबसे पहले इट एम्फेसाइज करता है, मतलब उसको डिटेल में देखता है. एम्फेसाइज मतलब किसी चीज़ को और देखना, बढ़ाना चढ़ाना उस चीज़ को, डिटेल में जाना उसके, उसको और बड़ा करके देखना. इवोक्स स्ट्रॉन्ग
feeling. What does it do? It evokes strong feeling. Fine. After that, and create strong impressions. और क्या करता है? And create strong impression. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चार चीजें देखी हैं. That is how it is. It emphasize, मतलब उसको डिटेल में देखते हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ाते हैं और उसके बारे में बहुत बार पता लगाते हैं. इवोक्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग. इवोक मतलब कोई चीज़ आना एकदम से, इवोक होना. कोई चीज़ उठती है उसको बोलते हैं इवोक होना. सो इवोक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या आपके इमोशंस को है वो वापस से बड़ा चढ़ा के बोलता है. जो जैसे योर लव, हेट्रेड, एंगर, ये जितने भी आपके इमोशंस हैं, ह्यूमन इमोशंस, उन सबको बहुत ही स्ट्रांगली उसको वो प्रेजेंट करता है एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन. और फिर उसके बाद वो जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसके अंदर एक बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन वो जो है वो थ्रो करता है वहाँ पे. सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हाइपरबोल के अंदर आती हैं और ये आपको समझनी पड़ेगी दैट इट इज़ ऑल अबाउट छोटी सी चीज़ को बहुत लार्ज बना के सबके सामने प्रेजेंट करना. दैट इज़ योर हाइपरबोल. फाइन. अब हम आ जाते हैं, अगर एज अ फिगर ऑफ स्पीच इट इज़ नॉट सपोज टू बी लिटरली टेकन. इट इज़ नॉट सपोज टू बी लिटरली टेकन, मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मतलब जो वहाँ पे लाइन है या वो जो स्टेटमेंट आप हाइपरबोल को लिखते हैं उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे हवा में बात की गई है, क्योंकि उसको इतना बड़ा चढ़ा के उसको प्रेजेंट किया गया है. सो इट इज़ नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली. Meant to be taken literally. Alright? So literally आपको उस चीज़ को present नहीं करना, मतलब बताना नहीं है कि वो जो हो रहा है वो correct, जो बोला है वो statement, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? सिर्फ हवा में बात हुई है, बहुत बड़ा चढ़ा के बात हुई है. Alright? This is understood. Now we'll go ahead with few examples. अब जो लोग अब वीडियो देख रहे हैं अभी, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने वीडियो, अपने जो है आपके हाइपरबोल के एग्जांपल्स, अगर आपको समझ आ गया है तो लिखिए, नहीं तो मैं पहला एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे और साथ में आप अपने एग्जांपल्स लिखिए. मेक इट फनी, फनी बनाइए उसको, थोड़ा अच्छा सा बनाइए, डिफरेंट बनाइए. अनबिलीवेबल है एंटायरली, वो तो हमें इसको समझना ही है. ईजिएस्ट ऑफ एग्जाम्पल, ही रन्स faster than the wind. He runs faster than the wind. मतलब वो भाग रहा है विंड से भी तेज. कैसी उसको लिटरली लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज विंड का जो है वो कितने किलोमीटर पर हार पे विंड चलती है उस पर डिपेंड करता है. हाउ कैन एनी ह्यूमन बींग कैन एक्चुअली कम्पीट, वो कैसे कम्पीट कर सकता है विंड को? नो इट कांट, ये लिटरली हो ही नहीं सकती ये चीज़. बट ये हाइपर बोले कि वो हम उसको कैसे मतलब वो ऐसा है कि वो इतना तेज़ भागता है, बहुत तेज़ भागता है. इसका मीनिंग सिर्फ यहाँ पे ये कि ही रन्स वेरी फास्ट, मतलब इसको कोई चीज़ बीट नहीं कर सकती, वो इतना तेज़ भागता है. बट उसको यहाँ पे हमने कंपेयर कर दिया विंड के साथ कि भाई वो विंड से भी तेज़ भागता है. तो ये बात जो है ये बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दी गई है. सो दैट बिकम्स योर हाइपरबोल. ऑलराइट. नेक्स्ट इज वेरी इजी अगेन. अगर आप में से जो देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू यहाँ पे शेयर कीजिए. हमें यहाँ पे अड्डा 247 जो आपका स्कूल है, जो ऑनलाइन स्कूल है, अच्छा लगेगा कि वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स. बहुत सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं. आप स्कूल में जाके आए, मोस्टली वहाँ पे इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, बट क्लास 9th 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पढ़ना तो है ही. अच्छे से टॉपिक्स की क्लैरिटी होगी तो आगे आपको ज़्यादा हेल्प रहेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर एवर. दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट एग्जाम्पल, से बहुत ईजी एग्जाम्पल जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ. आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर एवर. आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर एवर. ऑलराइट. कोई इंसान वो एक जगह पे हमेशा से बैठा है. फॉर एवर मतलब हमेशा से. इज दैट लाइक दैट इज़ अ थिंग, वो हो सकती है? नहीं हो सकती. सो यहाँ पे इसका हिडन मीनिंग यही है कि
कोई इंसान मतलब दैट वो आई की बात हो रही फर्स्ट पर्सन, सो लाइक वो ऐसा किसी को कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम से किसी का वेट कर रहा हूँ, मे बी 1 hour, 2 hours, 3 hours, तो जब गुस्सा आता है तब आप इस तरह से बोलेंगे आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर एवर, मतलब मैं हमेशा से तुम्हारा यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ, वट एवर. तो लिटरल मीनिंग तो उसका वो हुआ कि आपने कुछ टाइम के लिए वेट किया और आप उसमें ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर एवर. बट हाइपरबोल के जैसे हमने जब उसको प्रेजेंट किया तब हम उसको ऐसे बताते हैं. फाइन, आप लोग प्लीज़ अपने खुद के एग्जाम्पल्स लिखिए सो दैट वी कैन फील गुड, अच्छा लगेगा हमें. थर्ड एग्जाम्पल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एज इन बिकॉज ये थोड़ा सा डीप एग्जाम्पल है जिसका मीनिंग भी डीप है विच आई विल एक्सप्लेन यू. सो योर एग्जाम्पल इज आई एम प्रोटेक्टिंग योर राइट, I am protecting your right to disagree with me. I am protecting your right to disagree with me. मतलब मैं तुम्हारा right protect कर रहा हूँ. Right किस चीज़ का? इसका literal meaning ये है right to speak. आज अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं और अगर आप उनसे बात कर रहे हैं और अब नाउ यू आर बिकॉज इन क्लास 9th और क्लास 10th, आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उनसे डिसअग्री कर सकते हैं. डिसअग्री मीन्स वो जो कह रहे हैं वो बात नहीं मानना और आप अपना पॉइंट पुटअप करते हैं. ये आप सबके साथ करते होंगे, यू माइट बी सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स तब आप करते होंगे या किसी अदर एल्डर्स के साथ करते होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स जिसके भी साथ आप करते हैं. तो आप उन वो जो बात बोल रहे हैं वो नहीं मान के आप अपना पॉइंट पुटअप करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे भी हो सकती है ये चीज़. सो उसको बोलते हैं डिसअग्री करना. अग्री मतलब मान जाना, डिसअग्री मीन्स उसके अगेंस्ट में जाके बोलना. सो यहाँ पे अ पेरेंट एक ले लेते हैं, हम इसको लिटरल मीनिंग पेरेंट्स से कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं वीडियो. तो लेट अस कनेक्ट विद पेरेंट्स. सो यू आर सिटिंग विद योर पेरेंट्स एंड आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको सामने बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ये जो राइट है ना, राइट टू स्पीच, वो जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें दिया गया है ये राइट, इस राइट को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, राइट टू स्पीच, क्योंकि मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ डिसअग्री कर सको. फाइन, सो दैट इज़ वॉट इट इज़ ट्राइंग टू से दैट आई एम अलाउिंग यू, मैं तुम्हें इतना फ्रीडम दे रहा हूँ कि तुम्हारा जो राइट टू स्पीच है उसको तुम एक्चुअली यहाँ पे बोल सको, तुम मुझसे डिसअग्री कर सको. सो पेरेंट्स आर गिविंग यू दैट फ्रीडम, दो आप फाइनेंशियली अभी भी उन पे ही डिपेंडेंट हैं एंटायरली, बट स्टिल वो आपको वो फ्रीडम देते हैं दैट यू कैन डिसअग्री विथ देम, आप उनके साथ डिसअग्री बहुत बातों में कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड लेट अस गो अहेड विद द लास्ट एग्जाम्पल. बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग खुद लिखेंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे और हमारे साथ यहाँ शेयर करेंगे, तब मैं आप सबके जो वीडियो आपके जो भी एग्जाम्पल्स होंगे आई विल जस्ट स्पीक इट आउट, ताकि आप सबको पता चले कि और इतने हाइपरबोल एग्जाम्पल्स बन सकते हैं जो कि फनी भी होंगे, कुछ सीरियस होंगे, कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड होंगे, कुछ सिंपल लाइफ रिलेटेड होंगे. सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. योर नेक्स्ट इज डेथ बाय 1000 cuts. योर फोर्थ एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ इज डेथ बाय 1000 cuts. तो इसका लिटरल मीनिंग यहाँ पे हो सकता है कि somebody must have died, किसी की डेथ हो गई है, तो बट शायद किसी के मारने से हुई है, किसी ने माइट हैव कट उसको बॉडी को कट किया या कुछ किया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 cuts. अब किसी के एक बॉडी पे अगर 1000 cuts हम लिटरली बात करें तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल डाई, या उसके पहले शायद आई थिंक 3-4 cuts और 5-10 cuts भी बहुत हैं. बट हम यहाँ पे एकदम उसको डीप में जाके बढ़ा चढ़ा के बोल के हम ये बता रहे हैं कि डेथ बाय 1000 cuts, मतलब ही वॉज किल्ड बाय 1000 cuts. उसको इतने सारे कट्स आए बॉडी पे कि उसकी डेथ हो गई. लिटरल मीनिंग ये कितने सारे, अब कोई नंबर नहीं है हमारे पास एग्जैक्टली, बट हमें उसको हाइपरबोल में प्रेजेंट करना है बढ़ा चढ़ा के. सो वी हैव यूज द वर्ड 1000 cuts. और राइट, सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स. इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके हैं इसके हाइपरबोल के, चाहे तो प्लीज़ लिखिए, थोड़े फनी लिखिए ताकि हमें और अच्छा लगेगा यहाँ पे Adda247 जो आपका स्कूल है, बिकॉज हम लोग आपसे यहाँ पे फ्रीली इंटरैक्ट करने के लिए हैं. आप अपने व्यू शेयर कीजिए, हम आपको टीच करते हैं, आप बताइए मैम दिस वुड बी द एग्जाम्पल जिस विच यू कैन यूज़, यू कैन राइट. सो आई विल ऑल्सो शेयर फ्यू बेस्ट एग्जाम्पल्स, मैं ज़रूर से यहाँ पे वीडियो पे लाइव जाके आप लोगों के लिए स्पेशली शेयर करूँगी ताकि पता चलेगा. प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखिएगा साथ में, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहाँ नाम नहीं लिखा होता. तो जब भी आप इस वीडियो को देखिए अपना नाम और अपना एग्जाम्पल जो है हाइपरबोल का वो ज़रूर से लिखिए,
आई विल कम कनेक्ट बैक विथ यू ऑल फॉर श्योर. सो आज का जो हमारा क्लास है वो कंक्लूड होता है हाइपरबोल पे, क्योंकि हाइपरबोल बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बहुत सारे हाइपरबोल्स दिन रात पॉलिटिक्स हमारी लाइफ बहुत सारी चीज़ों में हम हाइपरबोल यूज़ करते हैं और हमें खुद को हंसी भी आती है कितनी बार लगता है अरे ये क्या बोल दिया. सो दैट इज़ हाइपरबोल, किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट करना, बड़ा चढ़ा के बोलना. और आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हर तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं. सो आई होप आज आपको कॉन्सेप्ट जो है हाइपरबोल का वो समझ आ गया. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत सारी पोएट्रीज में आता है. हम जो आपकी अब सिलेबस कंटिन्यू करेंगे उसमें अगर कहीं भी हाइपरबोल होगा तो आप लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे और बोलेंगे मैम दिस इज़ द हाइपरबोल, या ये पर्सोनिफिकेशन है, या ये मेटाफर है, या ये सिमिली है. सो हमने फोर फिगर्स ऑफ स्पीच कनेक्ट कर अभी किए हैं एक साथ, आगे और भी करेंगे. ऑक्सिमोरॉन बाकी है और भी बहुत सारे बाकी हैं, दैट वी विल श्योरली डू इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू अडा 247 ऑनलाइन स्कूल. यहाँ पे आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है क्लास 9, 10th NCERT के, विल श्योरली सॉल्व दोज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.